जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, WB समान गाइडे आपका स्वागत है। मैं आज शुरू करेंगे जीएन नॉलेज। मेरा मिशन, मेरा टारगेट RRB लोको पायलट, NTPC, ग्रुप डी, RPF, दिल्ली पुलिस, SSCCGL, MTS, GD स्टूडेंट के लिए एग्जाम देता है। मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस शब्द से आप लिया गया है, कांग्रेस शब्द से आप लिया गया है। मैं इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन रख दिया। ओके दोस्तों, कांग्रेस शब्द से आप लिया गया है। द वर्ड कांग्रेस इज एडॉप्टेड फॉर्म। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया? ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका का इतिहास, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल। ऑप्शन सी, आयरलैंड का इतिहास। ऑप्शन डी, अमेरिकी कांग्रेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का इतिहास। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवृद्धि कर 1976 में किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवृद्धि कर 1976 में किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मेरा स्ट्रैटेजी नोट था। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए, मुदलिया समिति का सिफारिश। ऑप्शन बी, अनुशंसा पर LK झा समिति। ऑप्शन सी, राज समिति का सिफारिश। ऑप्शन डी, चिलिया समिति का सिफारिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुशंसा पर LK झा समिति। ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, किडनी एक पोतली झिल्ली से टुकी होता है जिस कहते हैं। किडनी एक पोतली झिल्ली से टुकी होता है जिस कहते हैं। ऑप्शन ए, पेरिटोनियम। ऑप्शन बी, पेरिकार्डियम। ऑप्शन सी, फुसफुस का आवरण। ऑप्शन डी, कैप्सूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कैप्सूल। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन जाएगा। पलासी की लड़ाई का दौरान मुगल सम्राट कौन था? पलासी का लड़ाई का दौरान मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए, आलमगीर द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आलमगीर द्वितीय, सेकेंड आलमगीर। सेकेंड आलमगीर कितना साल राजत्व करा? इसका 1754 साल से 1759। ठीक है दोस्तों, आलमगीर द्वितीय 1754 साल से 1759 तक भारत का मुगल सम्राट है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जाएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार चिन्ह में दिता है। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय के मृत्यु के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड आरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिलिटको, लॉर्ड रीडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड आरविन। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना क्या हुई थी? व्हेयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
एसोसिएशन फॉर्मेट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना क्या हुई थी? कहाँ से? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी काकुरी, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका राइट आंसर दिल्ली, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जाएगा, किस वंश के शासक ने मत्स्यविलास पत्र रचन की रचना की? किस वंश के शासक ने मत्स्यविलास पत्र रचन की रचना की? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राजकूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पल्लव वंश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मानवाग में कौन सा दोष रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का कारण बनता है? मानवाग में कौन सा दोष रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का कारण बनता है? ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी प्रेसबायोपिया, ऑप्शन डी असामान्य दृष्टि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कितने वर्ष में हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कितना साल में हुआ? ऑप्शन ए 1210, ऑप्शन बी 1315, ऑप्शन सी 1336, ऑप्शन डी 1368। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कितने वर्ष में हुई? ऑप्शन सी 1336। इसका राइट आंसर 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 साल से हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय कौन शासक में हुआ? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट कुमारगुप्त। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नटराज वंश के पतन के किस संस्कृत नाटक में स्पष्ट रूप से धराशाया किया है? कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नटराज वंश के पतन के किस संस्कृत नाटक में स्पष्ट रूप से धराशाया किया है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी देवी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी मालविकांड मित्रम, ऑप्शन डी मिश्रकोटिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जाएगा, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? सांची स्तूप कौन शासक में हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी विजयोत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सम्राट अशोक, सम्राट अशोक सांची स्तूप निर्माण करा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 370, धारा 51, ऑप्शन सी धारा 80, ऑप्शन डी धारा 343(1)। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 343(1)। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय
कहाँ है? वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को कहाँ से? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पेरिस। अगला क्वेश्चन, जोहार रोजगार योजना किस 500 वर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इन विच 5 ईयर प्लान वॉज जोहार रोजगार योजना लॉन्चेड। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी सेवन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सेवन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाणसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी सरस्वती नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोन नदी। बाणसागर बांध कौन स्टेट है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थापना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस शैली के निर्माता थे? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस शैली के निर्माता? ऑप्शन ए जयपुर घराना, ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी दिल्ली घराना, ऑप्शन डी किराना घराना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी किराना घराना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियाँ बटने वाली माजुली पांडुलिपि छवि किस राज्य में संग्रहित है? हाल ही में सुर्खियाँ बटने वाली माजुली पांडुलिपि छवि किस राज्य में संग्रहित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए असम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में मानव संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हाल ही में मानव संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केरल। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्वक्षय रोग दिवस 2024 का विषय क्या था? ऑप्शन ए इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, यस वी कैन एंड टीबी। ऑप्शन सी द क्लॉक इज थिंकिंग, ऑप्शन डी वांटेड लेटर्स फॉर ए टीबी फ्री वर्ल्ड टू। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पीओ EM3 मिशन किस आंतरिक एजेंसी दोबारा लॉन्च किया गया था? EM3 मिशन किस आंतरिक एजेंसी दोबारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन बी जक्सा, ऑप्शन डी CNSA। इसका राइट आंसर इसरो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वैक्सीन दिवस 2024 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीन डे 2024? राष्ट्रीय वैक्सीन दिवस 2024 का विषय क्या था? ऑप्शन ए टीका अवांछित को
रोकना है। ऑप्शन बी एक साथ संरक्षित टीका काम करते हैं, प्रोजेक्टेड टुगेदर वैक्सीन वार। ऑप्शन सी टीका सभी को लिए काम करते हैं। ऑप्शन डी टीकाकरण अंतराल को बंद करने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वैक्सीन वार फॉर ऑल, टीका सभी के लिए काम करते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हाल ही में सार्वजनिक सेवा के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला? हाल ही में सार्वजनिक सेवा के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी गौतम अदानी, ऑप्शन सी शिवानंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रतन टाटा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या? व्हाट इज इंडिया रैंक इज व्हाट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 126। अगला क्वेश्चन। दादा भाई नौरू जी को इस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? दादा भाई नौरू जी को किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मद्रास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोलकाता। फर्स्ट प्रेसिडेंट कितना साल? 1886। सेकेंड इलेक्शन प्रेसिडेंट 1893 लाहौरे। थर्ड इलेक्शन कमीशन 1906 कोलकाता। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। कुछ प्रॉब्लम होता है कमेंट करिए। ओके दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।